मुंह खुलाकर बात करने की जरूरत नहीं है, जबकि सरकार ने ऐलान किया है कि देश की 62 साल में पहली बार इस तरह की एक जंग होने जा रही है जो कि देश के 9 राज्यों के उन आदिवासी बहुल क्षेत्र में छेड़ी जाने वाली है जहां की करोड़ों हिंदुस्तानी बसते हैं। यह जंग जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, आसाम ये सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहेगा। यह जंग हिंदुस्तान की हाफ लाइन में आज हो रहा है, जैसा कि बड़े सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मानते हैं कि ये जो है ये हाफ लाइन रिबेलियन है। इस तरह की हिंदुस्तान में 62 साल में कोई एक साल ऐसा नहीं गया है जब हमारी हुकूमत ने अपने ही लोगों के खिलाफ जंग नहीं छेड़ी है, लेकिन उस 62 साल में भी ये एक अनूठा मोड़ है हमारे इतिहास में, जबकि 9 राज्यों के लोगों के खिलाफ हिंदुस्तान की हुकूमत जंग छेड़ने जा रही है, जिससे कि वो पुलिस एक्शन की संज्ञा देती है, जिससे वो कहती है कि रूल ऑफ लॉ के नाम पर वो छेड़ रही है और विकास के लिए छेड़ रही है। ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि इस जंग के चलते और इस दौर में हमारे सामने वो सच्चाइयां भी सामने आएंगी कि किस तरह से लोग नक्सलाइट्स या माओवादी काम करते हैं लोगों के बीच में, किस तरह उनके लोगों से जहां वो रहते हैं, बसते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कंधे से कंधा मिला के जो लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई किस रूप में है, उन्होंने क्या काम किया है, वो वास्तविकता भी हमारे सामने आएगी जिसके के बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, उस सच्चाई का भी सामना करने से लोग कतराते हैं। 30 साल से छत्तीसगढ़ में बस्तर के दंडकारण्य के इलाके में और खास करके बस्तर में माओवादी 30 साल से काम कर रहे हैं और उन्होंने अनूठा काम किया है। गलतियां हुई हैं, हर एक बड़े आंदोलन से गलतियां होती हैं और उस गलतियों की हम आलोचना हमें करते रहना चाहिए। एक दोस्त के होने के नाते, कांधा से कांधा मिलाकर खड़े होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन यह कतई सही नहीं है कि हम उनकी जो कामयाबियां हैं, जो उनकी मेहनत है, जो उनकी लगन है, जो कुर्बानियां हैं उसे भूल जाए और हम ये कहें कि आदिवासी ठीक है, माओवादी गलत है। यह फर्क आज नहीं कर सकते हैं, आज ये फर्क नहीं कह सकते हैं कि नक्सलाइट अलग है, आदिवासी अलग है, लोग अलग हैं और नक्सलाइट अलग है। ये फर्क आज खत्म हो चुका है और ये सरकार भी मानती है, सत्ता पक्ष भी मानती है। तो हमारे बीच से इस तरह का जो भ्रम है उसे भी तोड़ने की जरूरत है। उम्मीद है कि शायद इस जंग के बाद, जंग बुरी चीज होती है और यह भी पता है अपने ही लोगों के खिलाफ जब भी जंग छेड़ी जाती है वो गंदी घिनौनी जंग होती है जिसमें मैसेकर्स, रेप, सर्च एंड बॉर्डर ऑपरेशंस के दौरान गांवों को जला देना, लोगों की हत्याएं, फर्जी मुठभेड़, ये सारी चीजें नियत है। लेकिन जंग का एक दूसरा भी हिस्सा होता है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए, वो होता है लोगों को एम्पावरमेंट का। वो लोगों को देता है एक उसके हौसला अफजाई करता है, हिम्मत देता है लड़ने का, वो उसे लिबरेट भी करता है। तो लड़ने का भी जंग घिनौनी चीज है, हम नहीं चाहते लगभग, लेकिन अगर जंग आपके ऊपर थोप भी जाए तो आप उसे पीछे हटकर ये भी नहीं कह सकते हैं कि इस जंग को रोकने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। माफ करिएगा, हम कुछ भी करने को तैयार कभी नहीं है, कतई नहीं है। जब तक सरकार अपनी नीतियों से पीछे नहीं हटेगी, जब तक वो विस्थापन को नहीं रोकेगी और लोगों को वापस नहीं जाने देगी, जब तक वो ये तमाम एमओयूज को खारिज नहीं करेगी, जब तक वो नदी के निजीकरण को नहीं रोकेगी, तब तक कैसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जंग रुक जाएगी? और ये जंग रोकना ही सबसे बड़ी हमारी जरूरत है। नहीं, अगर ये जंग रुकनी है तो हमारी मांग ये होनी चाहिए कि सरकार को उन नीतियों को पीछे लेना होगा जिन नीतियों के चलते वो ये जंग छोड़ रही है, नहीं तो फिर मतलब ही क्या। तो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, मैं केवल इतना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार ने यह ऐलान किया है कि अपने ही लोगों के खिलाफ वो जंग छेड़ने पर आमदा है, जैसा कि वो कर दिया ये 62 साल में, कश्मीरियों के खिलाफ खेला, नागा पीपल के खिलाफ खेला, आसाम में, मणिपुर में, कहीं भी देख लीजिए 62 साल से खून खराबे का ये इतिहास चला आ रहा है। कभी लोगों ने इस तरह इकट्ठा हुआ होकर इस तरह उन जंगों की मुखालफत नहीं करी। आज मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस जंग
का विरोध कर देंगे और उसका प्रतिरोध में अपना स्वर मिला देंगे, हमें वो भी गलतियां अपनी याद करनी पड़ेगी जब हम 62 साल तक खामोश रहे, जब हमारी हुकूमत ने इन लोगों के खिलाफ भी जंग छेड़ी। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आखिर में कि इस जंग के चलते और ये जब अपना आखिरी दौर में पहुंचेगी, ये लंबी चलने वाली है, ये छोटी जंग नहीं है, ये 6 महीने की नहीं है। सरकार ने अभी से मांगना शुरू कर दिया है, पहले कहा था कि 6 हफ्ते में उसे खाली कर देंगे, एरिया डोमिनेशन का काम पूरा हो जाएगा। 6 महीने बनाए उसके बाद बनाया 18 महीने, अब वो कह रहे 2012 तक उम्मीद है, अब उसके आगे भी खींचने की आह्वान के जरिए कि उसके भी आगे चलेगी। मेरे कहने का मतलब ये, शायद इस दंग के चलते हम लोगों को ये समझ में आए कि जब तक हम सत्ता पक्ष से उसका ये अधिकार नहीं छीन लेंगे कि वो लोगों के खिलाफ जंग छेड़े, तब तक हम कामयाबी के कगार तक नहीं पहुंच सके।